गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो रॉयल संस्थान में आज एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि लगभग JET में जो फॉर्म भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जितने बच्चे एग्जाम बैठने वाले हैं अराउंड उतने बच्चे जो हैं मैराथन जो हमारी फर्स्ट थी उसको देख चुके हैं। 31,000 बच्चों ने जो है फर्स्ट जो मैराथन है उसको देखा। सेकेंड जो हमारी कल रही थी उसको भी 21,000+ विद्यार्थियों ने देख लिया और आज आप कंटिन्यू देख रहे हो। जैसे जैसे आपको समय मिल रहा है वैसे वैसे आप क्लासेज ले रहे हो। हमारी पूरी फैकल्टी ये मेहनत कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम समय में बच्चों को फ़ायदा मिले और जो सिलेक्शन के किनारे पे हैं वो सिलेक्शन लेके जाएं और जो रैंक के किनारे पे हैं जिसको अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए वो अच्छी यूनिवर्सिटी लेके आए, इसी दरमियान की कोई कमी नहीं रह जाए। इसलिए आज एक घोषणा मैं और कर रहा हूँ, हमारे संस्थान के द्वारा बनाए गए पेपर जो बच्चों के हम टेस्ट पेपर लेते हैं एक तरीके से लास्ट में मॉडल पेपर टाइप, वो कई बच्चे जैसे जिनका कल मेरे पास मैसेज आया था कि सर आप इतना कुछ कर रहे हो तो ये और करो, तो उनकी डिमांड ये थी कि सर हमें अगर OMR मिल जाए और कुछ प्रैक्टिस सेट मिल जाए तो हम करके देख लें। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे ऐप पे जाना है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिशन पे ऐप पे जब आप जाओगे तो फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको जेट प्रैक्टिस सेट के नाम से वहाँ नंबर ऑफ पेपर आपको प्लस OMR मिल जाएगी, डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस करके देख सकते हो जिसका कि कोई भी चार्ज नहीं है। ये तो रही बात उन बच्चों की जिनको ज़रूरत है, बाकी जो बच्चे कंटिन्यू संस्थान के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़े हुए हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। अभी मैं आया रास्ते में तो सर से बताना चाहूँगा, ऐसे बच्चे पेपर दे के जा ही रहे थे, कंटिन्यू पेपर चल रहा है बच्चों के जो कि आपको पता होगा 24 पेपर हम बच्चों के ले रहे थे तो उनमें से ये 10वां पेपर JET का था, बाकी CUT के अलग से चल ही रहे। तो बच्चे खुश थे, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे JET का पेपर दे के आए, ऐसे सेंटर पे मतलब बाहर निकल रहे थे बच्चे पूरे खुश थे। मैंने कहा कैसा क्या कुछ हो रहा है, तो बच्चे मतलब इस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी के साथ में थे कि सर ऐसा नहीं होता कई बार कि इंतजार ही नहीं हो रहा, मतलब बच्चे दिल से चाह रहे हैं कि 14 आयर हम पेपर दे के आए। ये एनर्जी हम राजस्थान के सभी बच्चों में देखना चाहते हैं। इसके लिए जिसको थोड़ी बहुत भी हड़बड़ाहट है उनको हम वो टॉपिक विशेष तौर पे बताने वाले हैं जहाँ से आप लोग भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आज इसी श्रृंखला के अंदर कल केमिस्ट्री में जो हमारे द्रोणाचार्य उन्होंने आपको बताया क्या कुछ आप इस टाइम कर सकते हो, आज बायोलॉजी की जो हमारी फैकल्टी टीम है वो पूरी आपसे रूबरू होगी और आपको प्रत्येक जो टॉपिक आपके जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, लास्ट ईयर क्या कुछ रहा। और कई बार बच्चे धारणा बना लेते हैं कि नहीं ऐसा ही होगा तो कई बार वैसा नहीं होता है, तो क्या कुछ आपको बैकअप लेके चलना होगा वो सभी बातें आज हमारा स्टाफ एक एक करके आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको हमारे जो स्टाफ मेम्बर्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। सबसे पहले डॉक्टर समीर सर आएंगे और यह आपको अपने बारे में बताएंगे कि ये क्या सब्जेक्ट लेते हैं और कब से संस्थान को सेवाएं दे रहे हैं, किस तरीके से बच्चों को JET और CUT ICAR इनके लिए कंटिन्यू गाइड कर रहे हैं। आइए सर, वेलकम। थैंक यू सर। बच्चों गुड इवनिंग, कैसे हैं सब? यस, और मुझे पता है कि आपकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा बायोलॉजी में। स्पेशली मैं बॉटनी डील करता हूँ तो बॉटनी से आपको एक इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्ट में कहाँ किस टॉपिक में क्या पढ़ना है उसके लिए मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे प्लांट फिजियो एक अपने JET का टॉपिक है, CUT में ये प्लांट फिजियो नहीं है, केवल JET के अंदर है, राइट? और पिछली बार अगर हम प्लांट फिजियो से ओवरऑल क्वेश्चन देखें तो 6 और 7 क्वेश्चन आए थे। 6 और 7 क्यों बोल रहा हूँ कि 6 तो एग्जैक्टली आए थे और 7 जो क्वेश्चन था वो कॉमन था मॉर्फोलॉजी और डाइवर्सिटी के बीच में, तो मैं 6 7 क्वेश्चन में उसको इंक्लूड करता हूँ। और आपको पता है इन 7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन प्लांट हार्मोन वाले चैप्टर से थे, मतलब आपको प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर तो छोड़ना भी नहीं है बिल्कुल, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इवन केवल बायो में नहीं एग्रीकल्चर में भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। पिछली बार यही हुआ था, 3 क्वेश्चन बायो के बायो वाले पोर्शन में था और 1 एग्रीकल्चर में था, वो अपन फ्रूट राइपनिंग किससे करते हैं वो वाला क्वेश्चन, मतलब आपको प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर तो लेना ही है। उसके अलावा कैलकुलेशन, जैसे प्लांट फिजियो में C3 चक्र में कितना खर्च होता है, C4 में कितना खर्च होता है, तो एक ये ATP कैलकुलेशन आपको याद रखना है, राइट? और श्वसन वाले चैप्टर में आपको याद रखना है फिर कैलकुलेशन, ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन और क्रेब चक्र से आपको क्या फायदा होता है, कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे पिछली बार पूछा हुआ था कि एसिटाइल कोएंजाइम किसके बीच में कनेक्टिव लिंक है, इसका मतलब आपसे टर्म भी पूछी जा सकती है कि ग्लूकोज पाइरूविक एसिड में ब्रेक हो रहा है, फिर वो एसिटाइल में ब्रेक हो रहा है, फिर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट जहां डाटाबेस बनता है RQ, रेस्पिरेटरी क्यूटेंट श्वसन गुणांक, जहां से आप डायरेक्ट वैल्यू आ सकता है, राइट? एंजाइम वाला चैप्टर छोटा है,
छोटे चैप्टर में से एक क्वेश्चन आना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप एक या दो पेज पढ़ रहे हो और उससे एक क्वेश्चन आ रहा है। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन था कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, सक्रिय ऊर्जा को कम कर देते हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। ये आप प्लांट फिजियो में से लेंगे। सेल बायो में अगर आप जाएंगे तो सेल बायो में दो पार्ट है, एक तो स्ट्रक्चर और एक डिवीजन। आपको पता है दो क्वेश्चन डिवीजन से, दो स्ट्रक्चर से आ रहे हैं। डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अर्धसूत्री फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, जिसमें फाइव फेजेस थी, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, सबकी एक एक इंपॉर्टेंट बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। जैसे जीन विनिमय में बहुत फेमस क्वेश्चन है क्रॉसिंग ओवर पेकाइटीन में, काइज मेटा कब बनता है डिप्लोटीन में, राइट, सिनेप्सिस कब होता है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको जेटी 2022 का जाइगोटीन में। तो ये वाला पोर्शन आपको इंपॉर्टेंट रखना है और डायग्राम से वो पोर्शन पढ़ना है ताकि इजीली कलेक्ट हो जाए, राइट। इधर अपन आए सेल स्ट्रक्चर में, तो न्यूक्लियस और राइबोसोम इन दोनों से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो न्यूक्लियस राइबोसोम आपका बिल्कुल वेल मतलब टिप्स पर होना चाहिए। उसके अलावा आप अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्स बिल्कुल याद करना बेटा, तारक केंद्र में अरेंजमेंट 9+0 सेंट्रियोल में और सीलिया फ्लेजर में 9+2। यहां पर बच्चों को कंफ्यूज होता है तो यहां मुझे थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी लगती है क्वेश्चन आने की। अगर हम सेल बायो के बाद, क्योंकि सेल बायो बेटा सीयूटी में भी है तो आपको अभी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है ताकि वो भी अपना कवर रहेगा। उसके अलावा अपन बात करते हैं जेनेटिक्स पे, बहुत अच्छा वेटेज है, चार क्वेश्चन ऑलमोस्ट वेटेज है। पिछली बार इसके दो क्वेश्चन थे लेकिन उससे पहले चार क्वेश्चन थे, उससे पहले भी चार क्वेश्चन थे। तो ये दो से चार क्वेश्चन आपको देगा। क्या पढ़ना है इसमें, तो मेंडल्स के रूल इंपॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन दो बार से रेगुलर रिपीट हो रहा है कि दो एलील में से एक युग्मक को एक ही एलील मिलता है, तो रूल्स पे आपको फोकस रखना है। उसके अलावा टेस्ट क्रॉस और लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमिनेशन फेमस टॉपिक है, लास्ट 7 ईयर के पेपर में 5 टाइम ये क्वेश्चन है लिंग निर्धारण वाला, XXX0ZZW वाला याद रखना, राइट, और टेस्ट क्रॉस वाला याद रखना है। पीछे जाओगे तो डीएनए आरएनए पढ़ के जाना, डीएनए आरएनए इंपॉर्टेंट है। अनुलेखन अनुवादन क्या होते हैं, कौन से एंजाइम का यूज होता है, सरफेस भी पढ़ोगे तो चलेगा लेकिन डीएनए आरएनए आपको डिटेल में पढ़ने। एक टॉपिक मैं और आपसे डील करता हूं बेटा, बायोटेक्नोलॉजी। आपको पता है कि आपके 12th बायो के अंदर जो एग्रो बायो, उसमें भी सेकंड चैप्टर बायोटेक का है, राइट। तो उस बायोटेक से 4 क्वेश्चन का वेटेज है, एक क्वेश्चन माइक्रोब का आएगा, सूक्ष्म जीवों का। सूक्ष्म जीवों में मैं पढ़ाते टाइम भी आपको इंपॉर्टेंट स्टार लगाता था, स्टेटिन, साइक्लोस्पोरिन और स्टेप्टोकाइनेज, ये तीनों आपको याद होना चाहिए सोर्स और ये क्या करते हैं, क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल निर्माण किससे होता है, बायोगैस में कौन सी गैसेस होती है, और जैव कीटनाशी, बायो इंसेक्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर जो है वो आपको याद रखने। तो ये क्या होगा कि इससे पूरे 4 क्वेश्चन हमारे कलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से हम पढ़ेंगे तो इजीली और इजी वे में क्या कर पाएंगे, ज्यादा मार्क्स ले पाएंगे, राइट। प्रिपरेशन तुम्हारी बहुत अच्छी है, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन ये टिप्स आपको थोड़ा हेल्प करेंगे। मैं सर को बुलाना चाहूंगा ताकि आपसे फिर दो बातें सर करें। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप अपना जो चैप्टर्स आप देखते हैं जिनके साथ आप कंटिन्यू डील कर रहे हैं, उनको एक एक टॉपिक इनके बीच में जो इम्पोर्टेंट है वो आपने बता दिए हैं और डेफिनेटली बच्चों को इसका फ़ायदा होगा। लेकिन साथ में मैं आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा सर। जैसे किसी बच्चे को मान लो टॉप ही करना है और वो चाहता है कि मैं बेस्ट रैंक ला के दिखा दूँ, क्योंकि अभी अपन ने 6 तारीख को जब प्रोग्राम रखा जिसके अंदर 3 बाइक और 3 स्कूटी जैसे ही बच्चों को मिली है, क्योंकि 15 दिन पहले अपन ने बोल दिया था तो कई बार बच्चों को यूँ लग रहा था जेल सर मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब दी तो कई बच्चों के दिमाग में जो ऑनलाइन जुड़े हुए थे उनके भी आ गए, कहीं दूसरों को भी आ रही होगी कि भाई टॉप करने के लिए, क्योंकि टॉपर्स की फैक्ट्री एक तरीके से रॉयल बन गए हैं, तो उसके लिए जो बच्चा टॉप करना चाह रहा है उसको, जिसको लगभग सब कुछ आ रहा है, उसको आप बायो में क्या बताओगे कि सर वो वहाँ से जरूर थोड़ा पढ़ के जाए, क्या पता पूछ ले, क्योंकि कभी कभी एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता है जो बाहर से भी आता है, तो ऐसे बच्चे के लिए आप कौन से ऐसे विशेष टॉपिक पे बताओगे कि यहाँ अटक सकता है जी। सर जैसे मेरी किशन भाकर से बात हुई थी जो कि अपना ऑल राजस्थान टॉपर है जनरल रैंक से फर्स्ट रैंक, तो उसने मुझे 2-3 चीजें बताई कि सर एक तो टीचर्स ने जितने नोट्स लिखवाए हैं, मतलब चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो एग्रीकल्चर हो बायो, वो उसने पूरे याद किए हैं, बहुत बढ़िया। उसमें से उन्होंने एक लाइन भी ड्रॉप आउट नहीं किया, क्योंकि अगर आपको 100% मार्क्स लाने हैं, 100% का मतलब सबसे टॉप करना है जी, जी। तो आपको डेफिनेटली नोट्स पूरे फॉलो करना पड़ेंगे। आप उसमें थोड़ा सा वो नहीं कर सकते कि नहीं यार मैं ये चैप्टर छोड़ देता हूँ, वो सब नहीं, ये टॉपर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ सर जी, जी। दूसरा उनका है कि पूरे टेस्ट पेपर उसके पास बाइंड अप थे, मतलब उसने पेपर के लास्ट डे में उन पेपर्स को भी, उसने जो उनके संडे टेस्ट होते थे उसको भी ये वो देखता था, ताकि जो और खुद के एरर्स पे उसने बहुत काम किया। जैसे उसने मार्क किया होता कि पहले पेपर में मेरे 7 क्वेश्चन गलत है तो उसको मार्क करके रखा हुआ है, ताकि वो उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करे जो उसके गलत थे। बहुत बढ़िया। और तीसरा सर की जैसे मैं एक टॉपिक लूंगा, जैसे जेनेटिक्स में एक लेकोपेरोन है, तो अक्सर बच्चे क्या है लेकोपेरोन छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, बिल्कुल। लेकिन वो जो टॉपर्स बच्चे हैं वो उन टॉपिक्स पर कमांड बना के रखते हैं। जैसे लेकोपेरोन का क्वेश्चन आया, मैक्सिमम बच्चों ने छोड़ा लेकिन वो करके आया,
तो इस वजह से वो टॉपर रहा। तो टॉपर बनने के लिए सिंपल है सर, अपने पेपर्स फॉलो करें, अपने नोट्स फॉलो करें और जो गाइडलाइन उनको दी उसको फॉलो करें, 100% सर हर बार की तरह टॉपर आए। बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है कि कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं बाइक स्कूटी के चक्कर में हर कुछ ही मार्केट से ला के पढ़ना चालू कर दे। टॉपर बनने के लिए जो कंटेंट आपको संस्थान के द्वारा पढ़ाया गया है, जहाँ कहीं पर भी आप पढ़े हो, आप उस कंटेंट को बार बार रिवाइज करें, प्लस जो आपने साल भर टेस्ट दिए उसमें जो आपकी कमियाँ हैं उनको दूर करें। आपको इधर उधर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, पूरे में से पूरे नंबर आने पर ही टॉप करता है ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो ओवरऑल पूरा कोर्स पढ़ के, जैसा कि सर ने आपको गाइड कर दिया है कि टॉपर्स कुछ नया नहीं करते, जो कुछ होता है उसको संभाल के रखते हैं और एग्जाम टाइम पे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखते हैं। अभी मुझे पता चला है कई बच्चों का जो पुराने बच्चे रहे हैं और या फिर कुछ ऐसे नए बच्चे भी, जैसे मेरे पास अभी एक हॉस्टल से शिकायत आई है, खैर बताने तो नहीं चाहिए पब्लिक की जगह, लेकिन बच्चों को अगर फ़ायदा हो रहा है तो बता दूँ, कल शाम को भी एक हॉस्टल के अंदर बच्चा 3 बजे तक पढ़ता हुआ पाया गया। इतना कहने के बावजूद वो बच्चा कि मैं तो सर पढ़ूंगा और मैं तो जो है दिन में रेस्ट कर लूँगा सर, मुझे उसको जब उसको वार्डन सर ने कहा कि तेरे को नहीं पढ़ना है, वो मतलब उसको रूम को बंद करके अंदर बैठ कर आराम से पढ़ रहा, तो सर ने बार बार समझाया कि मत पढ़ो, तो उसका कहना यूँ था कि मैं जीएल सर से परमिशन लेके आ जाऊँगा, तो वो फिर सर ने मुझे बोल दिया और वो मेरे पास परमिशन लेने आ गया कि सर मुझे जो है रात में पढ़ने की छूट दो। जैसा कि सभी हॉस्टल्स के अंदर कहा गया है, जो डे स्कॉलर है उनको कहा गया है, कोई भी बच्चे मेरा कोई सा वीडियो पुराना उठा के देख लेना, मैं हर बार कहता हूँ एग्जाम से पहले आपको कम से कम 15 दिन पहले, 15 दिन नहीं कर सको तो 7 दिन पहले आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आप 12 बजे बाद में सो सको, 12 बजे बाद में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। फिर उस बच्चे को मैंने समझाया कि पेपर जिस दिन आप देने जाओगे ना, अभी तो आप रात भर पढ़ोगे और सुबह आप अगर मान लो 9 बजे उठ रहे हो या 7 बजे उठ रहे हो, कम से कम सो रहे हो आप, लेकिन जिस दिन पेपर देने जाओगे उस दिन आपके दिमाग में सोने की नहीं रहेगी। साल भर आपने जो मेहनत की है, जो कुछ आपको पढ़ा है, आप सोओगे तो वैसे ही नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन जो है सेट हो चुका ऑलरेडी। अब आप जब पेपर देने जाओगे तो आपका ब्रेन जो है रोज तो रेस्ट करता है उस टाइम, और उस दिन आपको परफॉर्मेंस देनी है। इसका मतलब है उस टाइम आपको मेंटली प्रिपेयर रखे सोने की प्रैक्टिस पहले से करनी होगी। इसलिए मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, चाहे वो कहीं से भी क्यों ना हो, आपको 12 बजे बाद में अब नहीं पढ़ना चाहिए, अब 12 बजे तक पढ़ लो और एग्जाम से 3 दिन पहले 10 बजे के आसपास आपकी सोने की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, तो ही आप टॉपर बन जाओगे। और इंस्टीट्यूट की तरफ से तो कंटिन्यू प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और संस्थान को फॉलो करते हैं उनको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब आगे इसी क्रम में मैं, थैंक यू सर आपने बहुत अच्छे से बता दिया बच्चों को, नेक्स्ट मैं अर्चना मैम को बुलाना चाहूँगा कि आप अपने टॉपिक्स के बारे में बच्चों को बताएं और किन विशेष बातों का ये ध्यान रखें वो भी आप शेयर करें। आइए मैम, वेलकम। थैंक यू सर। गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों मैं यहाँ जूलॉजी पढ़ाती हूँ और पिछले 12 वर्षों से रॉयल संस्थान के साथ में जुड़ी हुई हूँ। तो बच्चों मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जूलॉजी के अंदर एक टॉपिक है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, जिसको एनिमल डाइवर्सिटी बोलते हैं। एनिमल डाइवर्सिटी में बच्चे जो है वो भूल जाते हैं कि उनका जूलॉजिकल नेम क्या है, सामान्य नाम क्या है। तो बच्चों मैं केवल वो टॉपिक बताना चाह रही हूँ कि जो अभी आप 2 से 3 दिन के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। तो बच्चों पोरीफेरा के ऊपर पिछले 2-3 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। सिलेंट्रेटा के ऊपर आप पढ़ सकते हो, सिलेंट्रेटा के ऊपर 3 से 4 बार क्वेश्चन हो चुका है कि सिलेंट्रेटा के अंदर स्टिंगिंग सेल कौन सी होती है, दंश कोशिका कौन सी होती है, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके सारे करैक्टर विद एग्जांपल सारे पढ़ सकते हो। और उसके अलावा बच्चों आर्थ्रोपोडा के ऊपर, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के ऊपर आपको पढ़ना है। तो बच्चों ये तो नॉन कॉर्डेटा के बारे में हो गया, लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों कि कॉर्डेटा से क्या पूछा जा सकता है, तो प्रीवियस ईयर जेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों वो एवीज वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्षी वर्ग से लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं और जेट में पिछले 2 और 3 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुए हैं कि पक्षी वर्ग के अंदर क्रोप होता है, पेशनी होती है, गिजार्ड होता है, तो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं ये आप कॉर्डेटा से पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर हम बच्चों बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, परिसंचरण तंत्र के अंदर हम क्या पढ़ सकते हैं, तो परिसंचरण तंत्र के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बच्चों वो रुधिर है, ब्लड ग्रुप है। ब्लड ग्रुप के अंदर आरबीसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, डब्ल्यूबीसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी सबसे बड़ी
बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, प्लेटलेट्स क्या है, रुधिर का थक्का बनाने का काम कौन करता है, ब्लड क्लोटिंग के फैक्टर कौन से होते हैं, कौन सा विटामिन चाहिए ब्लड क्लोटिंग के लिए, कौन सा आयन चाहिए, तो इन टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ना चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, वो है रुधिर समूह से। जैसे कि किसी व्यक्ति का रुधिर समूह जो है वो ए ब्लड ग्रुप है, तो वो किससे ले सकता है, किसको दे सकता है, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होते हैं, किसमें एंटीजन होते हैं, किसमें एंटीबॉडी नहीं होते हैं, तो प्रीवियस ईयर यहाँ से लगातार क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो बच्चों ब्लड ग्रुप जो है उसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं बच्चों, श्वसन तंत्र के बारे में, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर लगभग 5 साल के भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो बच्चों उसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय कैसे होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, प्लाज्मा कर रहा है, बाइकार्बोनेट कर रहा है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कर रहा है, कौन कर रहा है, 70% कौन कर रहा है, 7% कौन कर रहा है, 20 से 25% कौन कर रहा है, लगातार यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अगर आप 2 से 3 दिन में केवल इन टॉपिक को भी पढ़ोगे तो बच्चों आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन हो सकता है JET में आपके ये क्वेश्चन मैच हो जाए और आप इसको आसानी से कर सको। और इसके अलावा बच्चों मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि नया कुछ पढ़ने की कोशिश ना करें, जो आपने प्रीवियस पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस जो भी पढ़ा हुआ है, जो भी आपके पास में नोट्स है, कंटेंट है, केवल उन्हीं को रिवाइज कर ले ताकि अपने नेगेटिव मार्किंग से बच सके। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छे से मैम आपने बच्चों को गाइड कर दिया आप अपने टॉपिक। और जो निचोड़ निकल के आया है कि अंत में मैम ने जैसे बताया कि बहुत सारी चीज़ें अब बहुत जगह से नहीं पढ़ें, एक ही चीज़ को अलग अलग जगह से पढ़ें, इससे बढ़िया है एक ही जगह आप उसका बार बार रिवीजन करें, जिसको अक्सर मैं ये बोलता हूँ कि एक चीज़ को 17 जगह पढ़ें, इससे बढ़िया है एक ही चीज़ को 17 बार रिवाइज करें ताकि चीज़ आपको याद हो और आपका दिमाग एग्जाम में पर्टिकुलर पॉइंट पे जाए। और कई बार याद नहीं होता तो आपने देखा होगा दिमाग पे एक विशेष तौर से अपन प्रेशर डालते हैं, पर्टिकुलर अपने पॉइंट से उस रजिस्टर पे लेके जाते हैं तो चीज़ याद आ जाती है। लेकिन आप बताओ मुझे, आपको जब कब याद आएगा, जब आप एक जगह पढ़े होगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे तो कहीं ना कहीं याद आता है, लेकिन उसी चीज़ आपने अगर 17 जगह पढ़ रखी है तो फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी होगा और कोई भी आपके काम नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि बार बार जो कंटेंट है उसका आप रिवीजन करें। अब मैं इसी कड़ी के अंदर बुलाना चाहूंगा किरण मैम को कि किरण मैम आए और अपने जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बच्चों को डिटेल में बताएं कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ताकि एक सामान्य बच्चा अच्छी से अच्छी रैंक ला सके। आज मैं वापस आपको रिपीट कर रहा हूं कि हमारा सेशन उस बच्चे के लिए ज़्यादा काम का है जो बच्चा कहीं पर भी तैयारी नहीं कर पाया है, या फिर जिसको लगता है कि मैंने तैयारी तो की थी लेकिन मेरे को अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे पास कंटेंट पूरा नहीं है, अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, टाइम कम है, तो हम वही चीज़ें कि एक बच्चा सिलेक्शन तक लेके जाए। इसके अलावा जो बच्चा टॉप करना चाहता है उसको भी हम थोड़ा बहुत ये बता देंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे उसको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि लास्ट में पछतावा नहीं हो, खास मैं ये और पढ़ लेता था शायद मेरे 2 क्वेश्चन और राइट हो जाते और मैं टॉप जगह चला जाता। आइए मैम, किरण मैम वेलकम। गुड इवनिंग बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर किरण शर्मा और मैं बॉटनी से डील करती हूँ। एक्सपीरियंस मेरा 10 साल का है और रॉयल इंस्टीट्यूट से मैं 2017 से जो है वो लगातार जुड़ी हुई हूँ। मैं अपने टॉपिक्स के बारे में बताऊँ कि मैं जिन जिन टॉपिक से डील करती हूँ JET के अकॉर्डिंग उनमें से क्या इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे जो टॉपिक हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो हैं, मतलब ज़्यादातर जो टॉपिक हैं वो 2019 के बाद जुड़े हैं। 2019 से पहले ये टॉपिक्स जो थे वो JET के सिलेबस के अंदर नहीं थे। जैसे सबसे पहले अपन पादप वर्गीकी यानी कि प्लांट डाइवर्सिटी की बात करेंगे बच्चों। प्लांट डाइवर्सिटी 2 चैप्टर इंक्लूड करता है, जीव जगत जो कि 11th की NCERT का पहला चैप्टर है और पादप जगत जो कि 11th की NCERT का तीसरा चैप्टर है ना, मतलब इंग्लिश में कहें तो लिविंग किंगडम और प्लांट किंगडम। JET फिक्स है बच्चे, इन दोनों टॉपिक से मिला के 4 क्वेश्चन पूछता है। लिविंग किंगडम के यानी कि जीव जगत के 3 टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। 2019 के बाद से उसी में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कौन कौन से वो टॉपिक? पहला टॉपिक वर्गी की श्रेणियाँ, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, है ना, लगातार 2-3 साल से उससे क्वेश्चन आ रहा है। द्वी नाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और तीसरा है वर्गीकरण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इन 3 टॉपिक को लास्ट में बहुत बढ़िया से देख के जाना है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, आते रहे हैं और इस बार भी आएंगे तय बातें। प्लांट किंगडम की बात कर लेते हैं। प्लांट किंगडम में ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, JET के अंदर बिल्कुल डीप में नहीं जाना है। आपको क्या पढ़ना है, शैवाल के अंदर आप क्या पढ़ोगे, एक कोशिकीय शैवालों के सारे नाम याद हो जाने चाहिए और शैवालों के वर्गीकरण,
वर्गीकरण में क्या पढ़ना, वो पूरी टेबल याद नहीं करनी है। क्या क्या याद करना है? सामान्य नाम, वर्णक, कोशिका भित्ति, संचित भोजन। इंग्लिश में बोलूँ तो जो एल्गी है उसके क्लासिफिकेशन के अंदर आप पिगमेंट्स पढ़ेंगे, सेल वॉल पढ़ेंगे, रिजर्व फूड पढ़ेंगे और कॉमन नेम पढ़ेंगे। इसके अलावा क्लासिफिकेशन में कुछ नहीं देखना है। चौथा जो आपको शैवाल के अंदर यानी कि एल्गी के अंदर पढ़ना है वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। रट के जाना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को, 7 इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मैंने लिखवाई हुई है, याद हो जानी चाहिए बस। ब्रायोफाइटा में आए, ज़्यादा कुछ नहीं। ब्रायोफाइटा की 3 से 4 लाइनें जिनके अंदर से क्वेश्चन आते हैं, पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं, है ना, ब्रायोफाइटा को जो है वो प्लांट किंगडम का एम्फीबिया क्यों कहते हैं, ये याद करना है। पहला स्थलीय पादप है, फर्स्ट टेरिस्टल प्लांट है, बस। और स्फेग्नम याद रखो, 3 चीज़ें। टेडोफाइटा पहले स्थलीय पादप जिनमें वेस्कुलर बंडल यानी कि संवहन पुल पाए गए। जेईटी के अंदर 3 बार क्वेश्चन आया और 3 बार इसी लाइन से क्वेश्चन आया, ये याद करना है। जिम्नोस्पर्म वही पहली लाइन जो एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, पहले वो प्लांट है जिनमें सीड तो बन गए लेकिन फ्रूट नहीं बने। एंजियोस्पर्म छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा अपन जो बॉटनी पढ़ रहे हैं वो एंजियोस्पर्म की पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गई किसकी बात, प्लांट डाइवर्सिटी। अब सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक जो मेरे टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकारिकी। आराम से 4 से 5 क्वेश्चन सीता है, सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करके चलो तो। क्या पढ़ना है? रूपांतरण। क्वेश्चन किस में से आते हैं? रूपांतरण से क्वेश्चन आते हैं, किसी का भी रूपांतरण पढ़ना है। तीसरा एग्जाम्पल याद रखने हैं। कौन से एग्जाम्पल? हर कोई एग्जाम्पल याद नहीं रखने, मॉन्स्टेरा हो गया, ये वो जो हमारी डेली लाइफ में एंट्री रखते हैं वो एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। जैसे मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर, ये वाले एग्जाम्पल हमें याद हो जाने चाहिए, वो याद करने हमें बहुत बढ़िया से। मॉर्फोलॉजी में एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं डाइवर्सिटी यानी कि पादप जगत के एग्जाम्पल याद करने के लिए आपको नहीं कह रही हूँ, लेकिन मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल याद होने चाहिए, जो डेली लाइफ में एंट्री रखते हैं वो तो याद होने चाहिए। अब आ जाते हैं सबसे हार्ड जो टॉपिक बच्चों के लिए पड़ता है, एनाटॉमी यानी कि पादप शारीरिकी, वो सबसे हार्ड पड़ता है। 2 क्वेश्चन जेईटी के अंदर उसमें से आते हैं, पहले उसमें से 1 क्वेश्चन आता था, अब लगातार उसमें से 2 साल से मैं 2-2 क्वेश्चन देख रही हूँ उसके अंदर। क्या पढ़ेंगे? जाप पढ़ेंगे जड़ तना पत्ती की आंतरिक संरचना, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। द्वितीय वृद्धि बहुत सुपरफिशियल, बहुत ऊपर ऊपर से पढ़नी है सेकेंडरी ग्रोथ को। कैम्बियम कितने टाइप का होता है, क्या क्या काम करता है, बस, इससे ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे? परागकण की संरचना, ये पढ़नी है अपन को। स्पोरोपोलिनिन वाला बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पोलन ग्रेन की बात कर रही हूँ मैं इंग्लिश में बात करूँ तो। और फिर आ जाओ सीधा का सीधा भ्रूण कोष यानी कि एम्ब्रियो सैक पे। 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय 7 cell 8 nucleate ये याद होना चाहिए। 1 meiosis 3 mitosis 1 अर्धसूत्री विभाजन 3 समसूत्री विभाजन ये बात याद हो जानी चाहिए। परागण के प्रकार ये याद होने चाहिए, परागण के कारक है ना, वेक्टर ऑफ पॉलिनेशन। कैसे पूछेंगे क्वेश्चन? आपको लक्षण दे दिए जाएंगे कि एक पादप जो है उसके पुष्प ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, बताइए इसमें परागण किस प्रकार का होता है, पुष्प रंगीन है, मकरंद है, ये है वो है, बताओ, तो कीट परागण, बस सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन है। डन। प्लांट किंगडम या ये जो प्लांट रिप्रोडक्शन पादप जनन का जो सबसे लास्ट टॉपिक्स है ना, आपको जो 4 मिनट परिभाषा लिखवाती हूँ, कौन सी? एपोमिक्सिस असंग जनन, पॉलीएम्ब्रियोनी यानी कि बहुभ्रूणता, परिभ्रूणपोष यानी कि पेरिस्पम, और बीज प्रसुप्ति सीड डोरमेंसी, इन 4 परिभाषाओं को बहुत अच्छे से याद कर लेना, 1 क्वेश्चन इनमें से बैठता ही है, ठीक है। तो ये मेरे टॉपिक्स की बात हुई, आप बहुत अच्छे से तसल्ली से करें, हो जाएगा बिल्कुल। बहुत बढ़िया मैम, आपने भी अपने जो टॉपिक्स हैं उनकी अच्छे से जानकारी दी, लेकिन आपसे भी एक मैं टेढ़ा क्वेश्चन पूछूंगा वापस, कि किसी बच्चे को मान लो टॉप करना है, वो चाह रहा है कि मैं जेईटी टॉप कर जाऊं, तो अब वो कंटेंट की बात करेगा कि नोट्स की, तो वो ये चाहता है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या 11वीं 12वीं की बुक चल रही है उससे मेरा काम हो जाएगा, स्पेशली जो एग्रीकल्चर का बच्चा है, या फिर केवल एनसीईआरटी पढ़ ले तो काम हो जाएगा, या फिर और कुछ भी करना पड़ेगा, बच्चा वास्तव में क्या पढ़े कि उसके बायो के अंदर 40 में से 40 क्वेश्चन सही हो जाए। तो आप थोड़ा सा पेपर आप कंटिन्यू एनालिसिस करते ही हो, तो उसके आधार पर एक बच्चे को गाइड करें, क्योंकि कई बार बाद में पता चलता है कि मुझे तो पता ही नहीं चलता यहाँ से भी आता है क्या, नहीं तो मैं ये पढ़ के चला जाता। तो आप एक बार ओवरऑल सिलेबस बच्चों को बता दें कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो कहाँ कहाँ मिलेंगे इनको। देखिए जैसे सर है ना, अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, तो अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन अगर अपन मान के चले बच्चे, तो आप ये मान के चलिए कि 10 में से 8 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में से बैठते हैं, लेकिन एनसीईआरटी भी अपने आप में पूरा संसार है, ऐसे ही पढ़ा नहीं जा सकता उसको। 2 क्वेश्चन आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी जेईटी में मिलते हैं। जैसे मैं पिछले साल के क्वेश्चन की बात करूं, तो पिछले साल एक क्वेश्चन था, प्रजाति शब्द किसने दिया, वर्ड स्पीशीज वॉज गिवन बाय, ये ना तो एनसीईआरटी में है, ना ही जो राजस्थान बोर्ड की 11वीं 12वीं की जो बुक है उसके अंदर है। प्रजाति शब्द जो है ना, जो जॉन रे नाम के व्यक्ति ने दिया था, ये वाला जो सेंटेंस है ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना किसमें, लेकिन हमने अपने नोट्स में लिखवाया था। तो नोट्स तो ओवरऑल बात है कि जो नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं उन नोट्स में सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो कवर हो जाते हैं,
सारे ही क्वेश्चंस हमारे नोट्स में जो है वो कवर हो जाते हैं। तो अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो एक ही बात है कि आपको जो है वो नोट्स पूरे पढ़ने हैं। लेकिन आप मान लीजिए कि नोट्स पढ़ने का पूरा बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको, नहीं पढ़ पाएं, तो एनसीईआरटी तो हमें पढ़नी ही है। एनसीईआरटी में से क्वेश्चन बैठने, सारे क्वेश्चन नहीं बैठते हैं एनसीईआरटी में से, राजस्थान बोर्ड की बुक में से भी कुछ क्वेश्चन सर बाहर से आते हैं, एक दो क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन बाहर आते हैं। मैं अपने 8 क्वेश्चन की बात करूँ तो उनमें से भी एक क्वेश्चन बाहर से आ रहा है, तो 40 क्वेश्चन में से तो बाहर से आते ही। बहुत बढ़िया। ओवरऑल यूँ है कि बार बार पेपर एनालिसिस करने के बाद में या फिर किसी बढ़िया जगह आप अगर जुड़ जाते हो तो पूरी संभावना बनती है कि पेपर में पूरे में से पूरे क्वेश्चंस आपको बैठ जाएं। बाकी आपको 3 जगह से पढ़ना ही पड़ेगा, जो 11 ट्वेल्थ की बुक चल रही है आपकी वो भी पढ़ना है, इसके अलावा एनसीईआरटी भी पढ़ना है, और कुछ वो टॉपिक्स जो बाहर से पूछे जा रहे हैं वो भी, उन टॉपिक को भी पढ़ना है। ये ओवरऑल कवर करते हो तब शायद 40 में से 40 करने की संभावना बनती है। और एक जो अगर टॉपर करने वाला, टॉप करने वाला बच्चा है, उसको अभी लगता है कि और क्या चीज़ें जो मेरे से चूक गई, तो मैं एक आपको बात बताऊं कि जेईटी में 2021-22 के मैं पेपर की बात करूं तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में भी सर क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत बढ़िया बात बोली। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी सर वो अब हर किसी के, हमको हर एक की इंग्लिश टर्मिनोलॉजी हम नहीं याद कर सकते, हमें कौन सी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी याद करनी है जो एनसीईआरटी या राजस्थान बोर्ड के अंदर उसको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को हिंदी में लिखा गया है। जैसे विभक्त जो तक अपने एक होता है उसको हिंदी में ब्रैकेट में मेरिस्टेम लिखा हुआ है किताब के अंदर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि विभक्त जो तक को मेरिस्टेम कहते हैं। और कोई हम हर किसी की हमें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी नहीं याद करनी बच्चों, लेकिन जो अपनी रेफरेंस बुक के अंदर लिखा हुआ है वो तो हमें याद होनी चाहिए। एक टॉपर बच्चे के लिए ये टिप इसको है, इसको मैं साधारण भाषा में समझा रहा हूँ। मैम यूँ कहना चाह रही है कि बायोलॉजी के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स जो होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पर यह दिया दे दिया जाता है कि हिंदी में लिखा हुआ है से और ऊपर दो मात्रा और फिर ये ले, सेल, सेल के अंदर, या फिर ऐसा कि ऐसी कौन सी सेल है जिसके अंदर रिक्तिकांग पाया जाता है, ऐसा सेल का ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसके अंदर ये पाया जाता है। अब सेल की के बारे में बच्चा कोशिका बोलते हैं सेल को, ये भी कई बार नहीं पता रहता, तो कहने का मतलब बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे आपके मियोसिस है, कई बार ये मियोसिस ही लिखा हुआ आ जाता है हिंदी में, सही बात है कि नहीं है, तो आपको उसका पता होना चाहिए कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अगर इतना पता नहीं है आपको बायोलॉजी में, तो कई बार आप हिंदी इंग्लिश दोनों में वो एग्जीक्यूशन होने के बावजूद भी नहीं कर पाते हो, तो आपको ये इतना इंग्लिश का पता होना चाहिए। और यहाँ पे जब मैम ने बोल ही दिया तो और बता दूं आपको, जब आप हिंदी में कुछ पढ़ते हो और नहीं समझ में आता है तो आपको उसका इंग्लिश ज़रूर देखना है। 2 से 3 क्वेश्चन का बेनिफिट तो आपको अगर हिंदी और इंग्लिश देखने की आपकी आदत पड़ गई तो ही आपको हो जाएगा। बहुत बढ़िया मैम, आपने अच्छे से समझाया। और अब आगे में हमारी कंटिन्यू फैकल्टी, जैसे मैं आपको पहले कहता हूँ कि हमारे पास फैकल्टीज बहुत सारी है, जैसे कल केमिस्ट्री के 10 फैकल्टी थी जिनसे मैंने आपको मिलाया था, सेम बायोलॉजी में भी आज ऐसे केस है हमारे पास। मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ हर बैच के अंदर 4 से ऊपर फैकल्टी पढ़ाने जाती है, कम से कम हर बैच में 4 तो जाती है, लेकिन इंस्टीट्यूट में फैकल्टीज बहुत सारी है, सबसे मैं आपको मिला रहा हूँ। आगे इसी क्रम के अंदर, जिसके अंदर आपका एंटोमोलॉजी का जो पार्ट है वो हमारे कुलदीप सर देखते हैं, मैं कुलदीप सर से चाहूँगा कि आप आएँ और अपना जो पार्ट है, आपका जो पोर्शन है विशेष तौर पे, उसके बारे में आप बताएं। लंबे टाइम से आप बच्चों को जेईटी और सीयूटी आईसीआर के लिए गाइड कर रहे हैं, आज भी आप सर अपने सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को डिटेल में जानकारी दें, आइए सर, वेलकम। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुलदीप सुतार, मैं रॉयल इंस्टीट्यूट बायोलॉजिकल फैकल्टी, पिछले 4-5 साल से रॉयल इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूँ। तो अपने स्टूडेंट्स बात करेंगे पादप संरक्षण यानी प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में, जिसमें अपने बायोलॉजी के अंदर 3 टॉपिक पढ़ते हैं, कीट विज्ञान पढ़ते हैं, पादप रोग विज्ञान और सूत्रकृमि विज्ञान पढ़ते हैं, जो कि पादपों से रिलेटेड है। वैसे आप जूलॉजी में पढ़ते हैं तो अपने इधर अपने पादप रोग विज्ञान इसमें भी पढ़ते हैं ना, तो इसमें अपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने कीट विज्ञान से। और कीट विज्ञान में जैसे आपके जेट और सीयूटी दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, सीयूटी में भी इसके क्वेश्चन आते हैं और जेट के अंदर भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे वो अपने 6 क्वेश्चन आए थे एंटोमोलॉजी से ही, उसमें पैथोलॉजी के क्वेश्चन नहीं थे, और उससे पिछली बार की बात करें तो एंटो के क्वेश्चन नहीं थे, सिर्फ 5 क्वेश्चन पैथोलॉजी के थे, तो उस हिसाब से वेरी कर सकता है। आपको जितना सिलेबस करवाया गया है, अपने जो नोट्स आपको लिखवाए गए हैं वो अगर कंप्लीट कर लोगे तो कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आएगा वो उसी नोट्स में से ही आएगा, उससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन कभी देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको उसको कंप्लीट करके जाना है। कि अब लास्ट का टाइम है सर पूरा, तो वापस रिवीजन हो नहीं हो, तो हम कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको जरूरी पढ़ के जाना है, तो उसमें अपने बात करेंगे। तो उसमें सबसे कीट विज्ञान में सबसे पहले आता है आपको 10 कीट अपने बात की थी, जो हानिकारक कीट है उनकी, यानी हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट की बात की थी 10, उन 10 पेस्ट में क्या क्या चीज़ें आप
आपको पढ़नी है अभी के लिए। सबसे पहला तो साइंटिफिक नेम फिक्स है, एक हर साल एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जैसे पिछली बार अपने ग्राम पोटबोर यानी चने का फली छेदक का वैज्ञानिक नाम पूछा था, इसी प्रकार यूटीम भी सेम क्वेश्चन लेकिन उसमें अपने दूसरे इंसेक्ट का पूछा था, उसमें अपने रेड हेरी कैटरपिलर जिसको कातरा बोलते हैं उसका वैज्ञानिक नाम पूछा, तो वैज्ञानिक नाम आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद में इनकी मुख्य पोषक फसलें पढ़ के जाने की, इनकी मुख्य पोषक फसलें कौन कौन सी होती है, और उसके बाद में आता है हानिकारक अवस्था। ये तीन चार चीज़ें तो आपको पढ़ के ही जानी है 10 कीट की। और इसके लिए जो रॉयल इंस्टीट्यूट के बच्चे जो जिनको अपने नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं, जो नोट्स पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को तो मैंने और अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, इन 10 कीट का पूरा एक चार्ट दे रखा है, उस चार्ट को भी अगर आप पढ़ के चले गए तो भी आपके अगर 6 क्वेश्चन आते हैं तो गारंटी है 4 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, ठीक है। तो उस चार्ट को ही अच्छे से पढ़ के ही जाना है जो भी बच्चे के पास है। और अपने अब बात करते हैं CUET में, तो CUET में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, CUET के हिसाब से थोड़ा देखें तो वो अपने कीट नियंत्रण की विधि है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से CUET के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, जो अपने पढ़ते हैं IPM समन्वित कीट प्रबंधन, उसमें से CUET के अंदर कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो जैविक खेती है, जैविक खेती में कीटों का प्रबंधन कैसे करते हैं, उसके बारे में आपके क्वेश्चन CUET में कथन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो कीट नियंत्रण की विधि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कीट नियंत्रण की विधियों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैविक प्रबंधन, जैविक प्रबंधन से हर साल क्वेश्चन आते हैं। और जैविक प्रबंधन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, सबसे चीज आपके बिट्टी के बारे में जितनी जानकारी चाहे आपने बायोटेक में पढ़ी हो, चाहे आपने अपने सब्जेक्ट में पढ़ी हो, चाहे आपने एग्रोनॉमी में पढ़ी हो, चाहे आपने सोइल साइंस में, जहां से भी बिट्टी के बारे में पढ़ा है, बिट्टी को आप जितना पढ़ें पढ़ के जाएं, हर साल दो दो तीन तीन क्वेश्चन बिट्टी में से सीधे सीधे उठ के आते हैं। ट्रांसजेनिक क्रॉप के क्वेश्चन फिक्स है, आते ही आते हैं, तो आपको पढ़ के जाना है। अब बिट्टी के बाद में अगर बात करें तो फिर ट्राइकोग्रामा ट्राइकोडर्मा हर साल क्वेश्चन आते हैं, चाहे CUET हो चाहे जेट हो, ट्राइकोग्रामा ट्राइकोडर्मा दोनों को कंसेप्ट क्लियर करके जाना है। ट्राइकोग्रामा क्या है, ट्राइकोग्रामा एक लाभदायक कीट है, हानिकारक कीटों के लिए काम आता है यानी बेनिफिशियल इंसेक्ट है और हार्मफुल इंसेक्ट के लिए काम आता है, ट्राइकोडर्मा बेनिफिशियल फंगस है और हार्मफुल फंगस को मैनेजमेंट करने के लिए काम में आता है। तो ये चीज दोनों में कंफ्यूज होते हैं मोस्टली बच्चे, कभी ट्राइकोग्रामा कभी ट्राइकोडर्मा, ये दोनों क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं चाहे CUET हो चाहे जेट हो, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ के ही जाना है। इसके अलावा फिर बायोकंट्रोल के अंदर अपने NPV पढ़ते हैं, NPV के बारे में जो पैथोजेनिक वायरस है उसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, NPV की फुल फॉर्म पूछी जाती है जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक एंटोमोलॉजी के जो है जो लास्ट में आपको एकदम अच्छे से देख के ही जाना है। फिर एंटोमोलॉजी में आते हैं हनीबी, और हनीबी के पिछली बार जेट के अंदर तो 2-3 क्वेश्चन आए थे, इसी प्रकार CUET में 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो हनीबी को भी बहुत ज्यादा अच्छे से, और हनीबी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या देख के जाना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चार पांच स्पीसीज है उनके, और उनके करेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए, और फिर उसमें अपने कास्ट डिफ्रेंशिएशन है, कास्ट डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं अपने, उसमें आपको देख के जाना है कि अपने जो ड्रोन्स होते हैं वो कौन से एग से प्रोड्यूस होते हैं, है ना, वर्कर्स कौन से एग से प्रोड्यूस होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट हनीबी से पूछे जाते हैं। हनीबी यानी मधुमक्खी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पादप रोग विज्ञान की। पादप रोग विज्ञान में सबसे पहले तो जैसे आप जूलॉजी के अंदर पढ़ते हैं बैक्टीरिया पढ़ते हैं और फंगस पढ़ते हैं, तो बैक्टीरिया और फंगस को तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ के ही जाना है, चाहे आपने जूलॉजी में पढ़ा हो चाहे अपने प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ा हो, ठीक है। अब इसमें ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव का हर साल क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाना है ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया को, ठीक है। फंजाई के अंदर आपको क्लासिफिकेशन पूछते हैं अपने, जैसे मैंने आपको बताया पिछले साल सिर्फ पैथोलॉजी के 5 क्वेश्चन आए और 5 में से 3 क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन थे, सीधा पैथोजन का नाम दे रखा और आपसे पूछा कि कौन से ऑर्डर का पैथोजन है यानी कौन से गण का कवक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, कवकों के क्लासिफिकेशन आपको लिखवा रखे मैंने, तो नोट्स में से आपको पढ़ के जाने। उसके बाद में फिर रोग आते हैं, 21 रोग है, 21 रोगों में आपको हर रोग का नाम, वो कौन सी फसल से संबंधित, कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है, और उसका पैथोजन यानी उसके रोग कारक का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये चीज आपको यहां से पढ़ के जानी है। सूत्रकर्मी विज्ञान है तो उसका क्या है, कभी कभी एक आता है क्वेश्चन तो वो एक ही क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन से ज्यादा आज तक सूत्रकर्मी विज्ञान के नहीं है, और सूत्रकर्मी में भी 3 सूत्रकर्मी है इंपॉर्टेंट, 4 सूत्रकर्मी जो आपको लिखवा रखे हैं वो याद रखनी है, उसी से एक क्वेश्चन आता है कन्फर्म, वो ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अगर पढ़ के जाएंगे तो बहुत अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो टीचर सर ने आपको बताया ऑलरेडी कि लास्ट में आपको क्या करना है, इधर उधर, अब लास्ट में क्या होता है बच्चा एग्जाम के पास होता है उस टाइम ये भी पढ़ लूँ मैं, वो भी पढ़ लूँ, ये नहीं पढ़ा मैंने, वो नहीं पढ़ा, वो इधर उधर हाथ पैर मारने की कोशिश करता है, उसमें क्या करता है जो ऑलरेडी पढ़ चुका है वो भी स्किप हो जाता है माइंड से। तो लास्ट टाइम में अभी आपको क्या करना है, वो बोलते हैं कि एक किताब को 100 बार पढ़ो या अपनी 100 किताबों को एक बार पढ़ो बराबर होता है ना, तो आपको एक ही किताब का मतलब कि जो नोट्स आप इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड करा रखे हैं या जो कंटेंट आपने पहले पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज करना है, ज्यादा एक्स्ट्रा इधर उधर का कुछ भी नहीं पढ़ना है, और खुद के ऊपर पूरा विश्वास रखना है, आपका पेपर बिल्कुल अच्छा जाने वाला है, ये सिंपल जेट का पेपर बहुत ही आसान पेपर है। ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया सर, एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी वैसे नाम से डर लगता है इनके, और इनके अंदर जब पढ़ते हैं कीट के बारे में तो वैसे ही एक बार में समझ में नहीं आता, लेकिन आपने जिस तरीके से बच्चों को साधारण भाषा में समझाया और क्लास में आप जिस तरीके से पढ़ाते हो, डेफिनेटली बच्चों का बहुत अच्छा पेपर होगा। आपने जो टॉपिक्स बताए हैं उनको बच्चे वास्तव में अच्छे से पढ़ेंगे और हर साल पढ़ते रहें।
अब मैं यहाँ पे एक डाउट और बच्चों के क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कई बच्चों के ये दिमाग में है तो वो निकाल लेना कि जो JET का जो आपका सिलेबस दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कि 40 क्वेश्चन इसके आएंगे बायोलॉजी के, जिसमें बॉटनी की दी हुई है 5 यूनिट और जू की दी हुई है 3 यूनिट, तो टोटल यूनिट कितनी होगी 8, और 8 × 5 कितनी होगी 40 क्वेश्चन होगी। तो बच्चे ये मान के चल रहे हैं कहीं जिनको जानकारी नहीं है कि पहली यूनिट में से 5 क्वेश्चन, दूसरी में से 5, तीसरी में से 5, तो बॉटनी के हो गए 25 क्वेश्चन 5 यूनिट के, और जू के हो गए 15 क्वेश्चन। तो ये बात तो सही है, बॉटनी के अराउंड 25 क्वेश्चन ही आएंगे और जू के 15 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पहले यूनिट में से जो है 5 क्वेश्चन आएंगे ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए आपको ओवरऑल कोर्स पढ़ना है। कई बच्चों को मैंने देखा है और जो लास्ट ईयर कहीं मान लो घर पे पढ़े होंगे या कहीं तैयारी की होगी, वो लॉन्ग ईयर में जब यहाँ आए तो मैंने कहा तेरे बायोलॉजी में इतने कम नंबर कैसे आ गए बेटा, केमिस्ट्री में अच्छा है। अरे कि सर बायोलॉजी में मैं यही पढ़ के गया था। क्या पढ़ के गया? वो बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी पढ़ के गया। तो उसको पता है बायोटेक्नोलॉजी और इकोलॉजी में से 10 क्वेश्चन आएंगे 5-5 करके, क्योंकि उसने ऊपर से गणित सेट कर लिया, किसी ने बता दी होगी। ऐसा नहीं होता है। आपको पता है फर्स्ट यूनिट में से जो बॉटनी की फर्स्ट यूनिट है उसमें से लास्ट ईयर अराउंड 18 से 20 क्वेश्चन एक ही यूनिट में से आ गए थे, और पता चला कि इकोलॉजी में से एक आए, बायोटेक्नोलॉजी में से एक दो आए, एक इसके अलावा इकोनॉमिक बॉटनी जो आपकी उसमें से क्वेश्चन आते हैं जो कि आप एग्रोनॉमी में पढ़ लेते हो, हॉर्टिकल्चर में पढ़ लेते हो, इसके अलावा प्लांट डिजीज जो है उसके एवरेज 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। कहने का मतलब ओवरऑल बॉटनी में से 25 क्वेश्चन आएंगे, न कि यूनिट वाइज आएंगे, ये विशेष ध्यान रखना। सेम पोर्शन आपका जो जू का है उसके अंदर भी आपके इसके अंदर आपका वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स ये जो पार्ट है इसमें से ओवरऑल आपके आ रहे हैं, तो ये विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आप क्योंकि लगभग ओवरऑल हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे आप मिले, और ये सर भी आपको अपने अपने सब्जेक्ट के आपको क्या विशेष ध्यान रखना है, क्या टॉपिक और पढ़ना है जिस पर आपको विशेष फोकस करना है वो बताएंगे। मैं बुलाना चाहूँगा ओपी सर को जो आपको कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ओपी सर आपसे मिलेंगे। आइए सर, वेलकम। थैंक यू सर। आइए सर। ओके ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इंडिया टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मायसेल्फ डॉक्टर ओपी राय का आई एम ए बायोलॉजी फैकल्टी, आई हैव मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बात करते हैं बायोलॉजी के JET के पेपर की, तो जनरली हम बात करते हैं जैसे कि मेरा पोर्शन जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन की बात करेंगे। आप पिछले इयर्स के पेपर्स की आप बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से बन रहा है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। फैक्ट है कि जैसे कि आप जो जननांग होते हैं जैसे कि लाइक प्राथमिक है और द्वितीय, प्राइमरी और सेकेंडरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जननांग होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। देन आप चलेंगे मेल के अंदर तो मेल से आएगा टेस्टिस से क्वेश्चन आता है कि अंदर कौन सेल, जैसे कि लीडिंग सेल है तो उसका फंक्शन क्या है, सर्टोली सेल है तो क्या है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा जो आ रहा है वो फीमेल वाले पोर्सन से आ रहा है, यानी कि जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए यानी कि जो ओजेनेसिस जो अंड जनन है तो वहाँ पर जो अंडे का निर्माण होता है तो वहाँ पर जो अंडोसर होगा वो कौन सी फॉर्म होगा, जैसे कि लाइक सेकेंडरी ओसाइट, द्वितीय ओसाइट की फॉर्म होता है। निषेचन की बात करें, निषेचन का स्थल यानी कि वो साइट कहां पर है, जैसे कि वो फैलोपियन ट्यूब एम्पुला वाले पोर्शन में। विदलन की बात करें तो विदलन से आता है, जैसे कि मोरुला किसको कहते हैं, 8 to 16 सेल को मोरुला कहेंगे। मोरुला के आगे बात करेंगे जैसे कि ब्लास्टुला और गैस्टुला की भी बात करेंगे, तो यहां से तो यहां से भी यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि विदलन हो गया, निषेचन हो गया, वो यहां से आएंगे। इसके अलावा सेकंड बात करें इकोलॉजी यूनिट से, जहां से बहुत ही शानदार क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि इकोलॉजी के अंदर सबसे बेहतरीन यदि आप पढ़कर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले पढ़ें डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशन से वो आप अच्छे से पढ़ें कि वेस्ट किसको बोलते हैं, समष्टि किसको कहते हैं, तो ये जो समुदाय वगैरह इनके आप डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेकेंड चीज उसके बाद में जो भी साइंटिस्ट है, जैसे कि शब्द किसने दिया, यदि कोई उसका जनक है तो वहां से क्या, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है जीव एवं समष्टियां, उससे रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन है वो आप पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा इसके अंदर एक टॉपिक है समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, जैसे कि किसको लाभ होगा किसको हानि होगा, इससे फिक्स है एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि सहोपकारिता, सहभोज्यता, एमेंसलिज्म, तो यहां से इसके एग्जांपल क्या, वहां से भी एक क्वेश्चन यहां से इस चैप्टर से आएगा। फिर समष्टि वर्दी मॉडल को जनरल से आपको पढ़ के जाना चाहिए, जे ग्राफ क्या होता है, एस ग्राफ क्या होता है, जनरल फॉर्मूला देखेगा। फिर बात करते हैं सेकंड चैप्टर की, वो है इकोसिस्टम, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे। इकोसिस्टम के अंदर
फूड चेन और फूड वेब, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल की आप बात करेंगे वहां से क्वेश्चन आएगा। देन ऊर्जा प्रवाह जो 10% का रूल है वो आपको फॉलो करना है, यदि न्यूमेरिकल भी आए तो आप 10% रख के आप इजीली उसको अच्छे से कर सकते हैं। फिर ऊर्जा प्रवाह के बाद में उत्पादकता की बात करेंगे कि उत्पादक के स्थान पर जो होती है प्राथमिक द्वितीयक जीपीपी क्या होती है, एनपीपी क्या होती है और आर क्या होता है, वहां से आपको पता होना चाहिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा खाद्य पिरामिड से कि संख्या कैसा होता है, जैव भार कैसा होता है ऊर्जा का, जैसे सबका याद रखना कि सबका सीधा, जैसे कि ऊर्जा का हमेशा सीधा बनेगा, लेकिन आपको याद करना केवल उल्टा वाला कर लो। जैसे कि संख्या की बात करें तो संख्या के अंदर जो वृक्ष पिरामिड है यानी कि परजीवी वाले खाद्य श्रृंखला उसका हमेशा उसका कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। जैव भार में किसका उल्टा बनेगा, जलीय इकोसिस्टम बनता, बाकी सभी कैसे होते सीधे होंगे। इसका मतलब यहां से इकोसिस्टम से यहां से बेहतरीन क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर हम चलते हैं बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता और संरक्षण क्या बात करें, यानी कि जैव विविधता है क्या, इसके प्रकार जनरली आप सामान्य देख लीजिए, हानि के जो चार कारक लिख रखे हैं वो चार कारण आप पढ़ लीजिए। फिर ये जैव विविधता संरक्षण कैसे करेंगे, दो विधियां एक्सीटू एनसीटू, बायस्थान है स्वस्थान है, उनके सामान्यतः होता है क्या और उनके एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, यह इनसे यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। बायोडायवर्सिटी कंजर्व के तरीके, जैसे कि हमने पहले अर्थ समिट किया था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया था, कौन सी ईयर में किया और कहाँ पे किया वो पढ़ लीजिए। लास्ट चैप्टर की बात करेंगे एनवायरमेंटल इश्यू, पर्यावरणीय मुद्दे से हम बात करते हैं तो जैसे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, वायु वाला हो गया, जल वाला हो गया, तो ये कौन से ईयर की बात करेंगे वहां से, जैसे इस बार आने के पूरे चांस है, जल वाला 1974 याद कर लीजिएगा। इसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यू के अंदर जैसे कि आप पॉल्यूशन जनरली सामान्य पढ़ लीजिए, पॉल्यूशन प्रदूषण होते हैं क्या है, इसके अलावा उनको कैसे उनका निपटारण जो किया जाता है उसी की हम बातें कर लेंगे। इसके अलावा एनवायरमेंटल इश्यू जैसे कि एक जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन डीडीटी का जो होता है पॉइंट में होता है वैल्यू होती है वो थोड़ा सा आप जनरली आप याद कर लेंगे, तो इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं आएगा। वैसे मैं आपकी तैयारी देख रहा हूं, ऑनलाइन जब मैराथन क्लास लेते हैं तो आपके शानदार आंसर आते हैं, मतलब आपका सिलेक्शन श्योर है, बस आपको तैयारी करनी है टॉप यूनिवर्सिटी के लिए और टॉप करने के लिए। लास्ट टाइम में आप एकदम माइंड को रिलैक्स रखें, कोई भी नई चीज नहीं पढ़े, जो भी आपने पढ़ रखा जो आपको इजी टॉपिक लगता है उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। ओके ओके थैंक यू ऑल। सॉरी सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। देखिए सर ना इकोलॉजी के लिए बात कर रहे हैं, अभी मैं कुछ बच्चों से मिल रहा था तो वो बोल रहे थे कि सर एक दो साल से इकोलॉजी के क्वेश्चन सर कम आ रहे हैं। सर ने जीएल सर ने भी एक अच्छी बात कही थोड़ी देर पहले कि पहले से अपन को नहीं सोचना है कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, टेंटेटिव है बेटा। इकोलॉजी जो सर ने अभी इतना डिटेल में बताया ये वो चैप्टर है जो 2013 से 2019 तक रेगुलर 5 to 6 क्वेश्चन देता था, 2020-21-22 में बिल्कुल इसके क्वेश्चन कम है, एक या दो क्वेश्चन है। लेकिन मैं इसी के एग्जांपल में प्लांट फिजियो लेता हूं बेटा, 2019-2020-2021 प्लांट फिजियो से 3-3 क्वेश्चन आए, 2022 में 7 क्वेश्चन आए। मतलब कोई भी चैप्टर आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, इकोलॉजी वो चैप्टर है जब आएगा 5 क्वेश्चन के साथ वापस आएगा, ये पूरा डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन का। तो यहां बिल्कुल आप मत सोचिएगा कि इकोलॉजी को अपन को स्किप करना है, क्योंकि बहुत से बच्चों का ये मेजर अभी रह गया कि सर इकोलॉजी इतना बड़ा है पर क्वेश्चन भी 5 लेके आएगा। बिल्कुल मैं ऑफिसर को वापस बुलाना चाहूंगा, मैंने इंटरप्ट किया था। यस सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया ऑफिसर ने और समीर सर ने बता दिया। अब अपने सीआर बाटी सर अपने बीच में हैं, वो आएंगे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आइए सर, वेलकम। थैंक यू सर। हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को मेरा नमस्कार। मैं चैनाराम बाटी जूलॉजी फैकल्टी से। आज हम सभी टॉपिक वाइज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जिससे मतलब कि बहुत सारे ऐसे लॉन्ग ईयर के स्टूडेंट जो अंत में जाते जाते डाइवर्ट हो जाते हैं, या उन्हें ऐसे लगता है कि यार अब तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, या फिर ऐसे क्रेश कोर्स के बहुत सारे स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि यार मुझे अंत में जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पॉइंट मिल जाए जिनको मैं मतलब कि लेकर और कुछ अच्छा कर पाऊँ, अच्छा रिजल्ट ले पाऊँ। तो इसके लिए हम मतलब कि टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं कुछ टॉपिक जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे एनिमल टिश्यू है, तो एनिमल टिश्यू से लास्ट के 2 to 3 years जो है उसमें कंटिन्यू जो है जो लिगामेंट और टेंडनी जो है उनसे कंटिन्यू क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक साल टेंडनी का पूछ रहे हैं, एक साल लिगामेंट पूछ रहे हैं, तो उसको आप कंटिन्यू एक बार फिर याद करके जाए, हो सकता है जो सीरियल वो चला रहे हैं वही वापस आ जाए, या फिर मान लो उसको छोड़कर दूसरी जगह यदि मान लो दूसरी जगह से क्वेश्चन पूछते हैं, तो जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो सब हमने एनिमल टिश्यू के जो टॉपिक है उसमें लिखा रखे हैं, उन सभी एग्जाम्पल कौन सा बॉडी का कौन सा पार्ट कौन से टिश्यू से बनता है, ये उन सारे एग्जाम्पल्स को आप याद करके जाए। इसके अलावा कुछ और टॉपिक जैसे मान लो अर्थवर्म, कॉकरोच और अमीबा के बारे में यदि अपन डिस्कस करें, तो जैसे मान लो कि अर्थवर्म है, जनरली यदि अपन देखें तो 1 to 2 क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक से मिला के आते हैं। कई बार अमीबा से पूछ लेते हैं, कई बार कॉकरोच से, कई बार जो है अर्थवर्म से पूछ लेते हैं। एक एक करके यदि अपन बात करें, जैसे सबसे पहले कॉकरोच से, तो कॉकरोच के अंदर जो मतलब कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें थोरेक्स वाला पार्ट है, वहाँ से जैसे मान लो कि टेग्मिना है,
ये क्वेश्चन काफ़ी चल रहा है मार्केट में, तो संभावना है इस बार भी ये आ जाए, या फिर मान लो कि आगे जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर जो है मतलब कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो याद करके जाए, इसके अलावा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें हिपेटिक सिका या मेलपिगिन ट्यूबल जो है उससे रिलेटेड याद करके जाए, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उससे कुछ ग्लैंड है मेल और फीमेल की उनको आप अच्छे से याद करके जाए, या जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर जो है आपके जो एब्डोमेन पार्ट जो होता है वहाँ से एनल स्टाइल और एनल सर्काई का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है तो उसको आप ध्यान में रखें। उसके बाद में जैसे मान लो अर्थोम की बात करें तो अर्थोम में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है उसको अच्छे से पढ़ के जाए, क्लाइटेलम के आसपास का जो पोर्शन है उससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब भी मतलब कि अर्थोम से क्वेश्चन आता है। तो उसके अलावा जैसे मान लो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन सर्कुलेटरी ऑर्गन ये तो अपन को दोनों का पता ही रखना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यदि अपन बात करें इसके अंदर जैसे मान लो कि थोड़ा एक्सक्रेटरी पार्ट जो है उसको आप पढ़ के जाए और रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो है नॉर्मली कौन से सेगमेंट में कौन से ऑर्गन है ये थोड़ा पढ़ के जाए, और अमीबा की यदि अपन बात करें तो अमीबा से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो सीवी के बारे में हर बार पूछता है, जब भी ज़्यादातर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं अमीबा से तो कॉन्टेक्टाइल वेकिल से क्वेश्चन पूछा जाता है, या जो वो उसमें न्यूट्रिशन किस टाइप का होता है ना इसको भी आप पढ़ के जाए। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, सीआर भाटी सर ने बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज बता दिया, और स्पेशली एनिमल किंगडम वाला जो पार्ट है विशेष तौर पे अमीबा कॉकरोच ये जो तीनों टॉपिक है आपके, इनमें से कई बार आपकी किस्मत काम कर गई तो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं, अदरवाइज दो तो लगभग आते ही हैं, इसलिए कम से कम जो क्रेश कोर्स का बच्चा है या फिर जिसने आज तक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा हो कम से कम इन तीनों को जरूर पढ़ के जाएं। अब मैं लास्ट में मिलाना चाहूँगा विजयलक्ष्मी मैम से जो कि आपको गाइड करेंगे जो इनके टॉपिक हैं, हालांकि अभी ज़्यादा टॉपिक्स आप सब मैम से पढ़े नहीं हैं लेकिन आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छे से मैम से पढ़ने वाले हों, और मैम अभी अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको आपसे शेयर करेंगे कि किन विशेष बातों का स्पेशली जो बॉटनी और जूलॉजी का पार्ट है उनमें से मैम जूलॉजी का देखते हैं तो उनमें किन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आइए मैम, वेलकम। थैंक यू सर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो रॉयल इंस्टीट्यूट एक इनिशिएटिव प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं कि हम लास्ट मोमेंट पे किस तरीके के स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सके, कि लास्ट मोमेंट पे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं कि व्हाट शुड आई डू नाउ, फ्रॉम विच बुक आई शुड रेफर, तो वो बहुत ही स्ट्रेस कंडीशन होता है। सो आवर डायरेक्टर सर हैज स्टार्टेड इन प्रोग्राम कि हम आपको लास्ट मोमेंट पे सारे सब्जेक्ट्स के बता सके कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा है और एट द एंड हम क्या कहे भूल चुके हैं कि हमें कितना सब कुछ पढ़ना है लेकिन हम भूल गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स ने यहाँ पे बताया है कि आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि कौन से टॉपिक्स एट द लास्ट मोमेंट यू शुड पिक अप एंड जस्ट रेक्टिफाई योर नोट्स कि आपके कहाँ पे एरर आ रही है, आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप एट द लास्ट मोमेंट। एंड अब जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ, माई सेल्फ विजयलक्ष्मी देवरा, आई हैव रिसेंटली ज्वाइंट द रॉयल इंस्टीट्यूट, और जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैं आपको बीच में सीयूटी के जेट के सारे एमसीक्यू सेशन सॉल्व करवा रही थी। एट द टाइम जब मैंने यहाँ पे ज्वाइंट किया, आई लिटरली फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट जैसे मुझे ऐसा फील हुआ कि वापस क्यों मैं नहीं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ी इतने बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स के साथ, कि काश मुझे ये फैकल्टी मेंबर्स मिल गए होते तो शायद जो सर ने स्कूटी दी वो मुझे मिलने होती कि मैं वो स्कूटी जीत सकी। कि ये एक इनिशिएटिव है कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि अरे यार काश ये मौका मुझे मिल गया होता कि मैं गुजरात से राजस्थान पहले ही आ गई होती और मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ ली होती। स्पेशली आई एम फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, तो जैसे कि हम बात कर सकते हैं जेईटी में 2019 में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2020 में 4 क्वेश्चन थे, 2021 और 22 में एक एक क्वेश्चन आ गए थे। रिसेंटली जो अपने आरडीएनए टेक्नोलॉजी है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो 11th स्टैंडर्ड से बच्चे 12th में आते हैं तो दिस इज एन जस्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट उनके लिए आता है, क्योंकि जेनेटिक्स जो है उसके अंदर हम किस तरीके से बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स एंड प्रिंसिपल्स अपन बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड उसके अंदर देख रहे होते हैं, तो वहां से जो क्वेश्चन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल वॉट आर मॉलिकुलर सीजर्स कौन से हो सकते हैं, वॉट आर मॉलिकुलर ग्लू हो सकते हैं, तो अपन को ये बताना है कि भाई लाइगेस एंजाइम रिलेटेड वहां पे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली बीटी कॉटन रिलेटेड है, बुलवॉर्म्स है, वॉट आर द वायरसेस कौन से है, स्पेशली जो हमारे
एंटोमोलॉजी के सर ने बताया था कि वहाँ से बीटी कॉटन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहाँ पे वायरसेस किस में काम कर रहे हैं, विच आर द प्रोटीन्स विच आर बीन सिक्रेटेड बाय बैसिलस थरनजिनेसिस, तो कि क्राई प्रोटीन, तो क्राई वन एंड क्राई टू, तो वो बुलवॉर्म है, लेप्टोटेरेपेंस है, आर्मी वॉर्म है, कॉटन वॉर्म है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ से जो नेक्स्ट है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो एप्लीकेशन में से मेजरली हमारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं दैट इज इंसुलिन वाला है कि मेडिसिन के फील्ड में कहाँ पे यूज हो रहा है, इंसुलिन बनाने में प्रो इंसुलिन की जो चेन है तो दैट मींस मैच्योर इंसुलिन में कौन सी चेन आएगी, दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन व्हिच मे बी आस्क्ड इन जेईटी क्वेश्चंस, तो ये 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन का जो वेटेज है, सो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द जेईटी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया मैम, मैम की बात बीच में ही रह गई थी कि खास मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ती तो शायद वो स्कूटी मुझे मिलती। मैम यूँ कहना चाहती है कि यदि आपको इस तरीके का स्टाफ मिल रहा है तो आपको मौका खोना नहीं है, आपको अपनी जी जान लगा के अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहिए। इसी कड़ी में आज बायोलॉजी की फैकल्टी से अपन मिले कि आप बेहतर कर सको आगे। कल हम आपसे मिलेंगे रॉयल इंस्टीट्यूट की जो एग्रीकल्चर की फैकल्टी है उनके साथ में, और अपन शेयर करेंगे कि कैसे 40 में से 40 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो या फिर कम से कम टाइम में आप बेटर कर सकते हो। एक बार आज हमारे बीच में, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि बराबर बिजी शेड्यूल है इंस्टीट्यूट के अंदर जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनका, फिर भी समय निकाल के जो ज़रूरतमंद बच्चे उनको फ़ायदा मिल सके इसके लिए हम कंटिन्यू आ रहे हैं। तो मैं संस्थान की तरफ से पूरे स्टाफ मेंबर्स का एक बार धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा, बच्चों का भी करना चाहूँगा कि आप हमारे मैराथन क्लासेज को इतना प्यार दे रहे हैं। इसके अलावा मैं ये भी बता दूँ कि 11th 12th के एडमिशन फाउंडेशन बैच के चालू हो गए हैं, और लॉन्ग ईयर बैच, ऐसे कोई बच्चे जो आपके आसपास में हो और जिन बच्चों ने इस बार जेईटी और सीयूटी का फॉर्म ही नहीं भरा कि नहीं हमें तो एक साल तैयारी करना है, तो उन बच्चों को ज़्यादा समय मिल सके उनके लिए हम 15 तारीख से हमारा लॉन्ग ईयर बैच फर्स्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो आपके आसपास में ऐसे बच्चे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा, एक बार उन तक आप सूचना जरूर पहुँचाएँ। इसके अलावा पूरी टीम आ गई है, मैं चाहूँगा पूरे स्टाफ मेंबर्स एक बार आपके लिए आपका एग्जाम अच्छे से हो इसके लिए आपको बेस्ट विशेष दें। जी मैम, जी सर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।